हेलो एवरीवन सो इस वीडियो में हम जानेंगे इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के एक कट ऑफ से रिलेटेड अपडेट के बारे में तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को इसके बिल्कुल मत करिए क्योंकि एंड तक आते, आते आते आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं तो यहाँ देखिए कट ऑफ पहले कट ऑफ को रिलीज़ किया है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की तो यहाँ देखिए पहले जान लेते हैं आपका काउंसलिंग शेड्यूल क्या रहने वाला है तो काउंसलिंग आपको कब पर कब करानी है यहाँ काउंसलिंग आपको करानी है कल यानी कि दो तारीख को तो देखिए अभी जो भी कट वगैरह आपकी जैसे ही आएंगी अभी तो ठीक है अगर कोई करा पाए कल के कल ना करा पाए कुछ लोग तो मैं यही चीज़ बता देना चाह रही हूँ आगे जो कट ऑफ्स आएँगी वैसे ही लगातार आने वाली है हो सकता है कल आपकी एक कट ऑफ रिलीज़ कर दी जाए एंड परसों आपको बुला लिया जाए तो एकदम आपको तैयार रहना है अगर आपको ए में एडमिशन अपना लेना है अब देख लेते हैं आपकी जो कट ऑफ्स आई हैं वो दो तारीख़ के लिए आई हैं यानी कि कल के लिए दो दिसंबर के लिए आपकी जो ये सारी कट ऑफ्स हैं उसके बाद आपको क्या क्या ऑफलाइन आपको एडमिशन कराना है ऑफलाइन एडमिशन कराना है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था मेन कैंपस के लिए कि आपको अपना जो है स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास जो भी सी यू टी स्कोर कार्ड है उसके बाद जो भी आपने ए का रजिस्ट्रेशन कराया हो उसके उसका प्रिंट आउट होना चाहिए क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट देन उसके बाद उसके बाद आ जाता है आपका जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है तो अभी विद इन सिक्स मंथ का होना चाहिए उसके बाद है आपका उसके बाद है आपका Uh, सबकी एक एक फोटोकॉपी तो होनी चाहिए आपके पास देन है आपकी जो भी रह गया है आधार कार्ड होना चाहिए एंड आपकी जो है चार फोटोग्राफ्स यहाँ मांग मांगी गई हैं एंड सब फ़ोटोग्राफ्स के नीचे अभी डेट होनी चाहिए करंट की मतलब अभी लगभग छः महीने की उसके बाद देख लेते हैं अब हाँ, हाँ, है आप हम कट ऑफ क्या आए हैं आप लोगों की तो पहले एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं आपको इसके दो कैंपस हैं एक है आपका कीटगंज कैंपस एंड एक आता है आपका ज़ीरो रोड कैंपस तो यहाँ देखिए कीटगंज कैंपस में आपकी जो है मोस्टली बॉयज़ की क्लासेस चलती हैं एंड ज़ीरो रोड कैंपस में आपकी जो है पूरी गर्ल्स की क्लासेज चलती हैं तो देखिए देख लेते हैं क्योंकि जो आपकी कीटगंज कैंपस है वहाँ बीएससी वाले जो स्टूडेंट्स होंगे तो बीएससी वाले स्टूडेंट्स की यहाँ जो है कम्बाइंड क्लास चलती है कीटगंज कैंपस में तो देख लेते हैं आपका जो कीटगंज कैंपस है वहाँ आपकी क्या कट ऑफ आई हुई हैं बॉयज़ की काफ़ी हाई कट ऑफ आई सॉरी बॉयज़ की लो कट ऑफ आई हुई है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स तो यहाँ देखते हैं आपकी बीकॉम की जो यहाँ मैं बात कर रही हूँ सिर्फ बॉयज़ के लिए तो जिन भी बॉय जिन भी बॉयज़ स्टूडेंट के बीकॉम में अगर थ्री नाइन्टी मार्क्स हैं या फिर उससे ज़्यादा हैं तो वो यहाँ अपनी काउंसलिंग को करा सकते हैं काउंसलिंग की टाइम भी सुन लीजिए नौ बजे से सुबह नौ बजे से ग्यारह बजे तक आपको जो है आ, ये आपका है जो है रिपोर्टिंग टाइम है फिर उसके बाद जो आपका एडमिशन का टाइम दिया गया है वो कब से आपका दस बजे से बारह बजे तक आपका जो है एडमिशन इस बीच का भी हो सकता है फिर उसके बाद जैसे ही बात करें हम जो है बीए के लिए बीए के लिए आपकी जो कट ऑफ आई है वो है आपकी 500 हंड्रेड एंड अवम मार्क्स सेम शेड्यूल इसका भी रहने वाला है कि 9 से 11 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम है देन 10 से 12 बजे तक आपका जो है जो भी है एडमिशन कभी भी हो सकता है फिर उसके बाद देख लेते हैं कीटगंज कैंपस में आपका जो है बी की कम्बाइंड क्लासेस चलती हैं तो जो भी है आपका छात्र एवं छात्र दोनों को यहाँ बुलाया गया है पाँच से ज़्यादा जिसके मार्क्स हैं तो वो यहाँ अपनी बी में काउंसलिंग करा सकते हैं फिर जीरो रोड कैंपस जो आपका गर्ल्स के लिए है सिर्फ तो ये देखिए आपकी जो बी कॉम की कट ऑफ आई है गर्ल्स के लिए वो आई है आपकी फोर हंड्रेड एंड फोर्टी मार्क्स एंड अव एंड जो भी आपका शेड्यूल है वो यही रहने वाला है एंड उसके बाद जो आपकी बी की जो आ, कट ऑफ आई है फॉर गर्ल कैंडिडेट ये है आपकी फोर हंड्रेड एंड अवर मार्क्स तो ये था पूरा ए डी सी का काउंसलिंग शेड्यूल सारी कट ऑफ मैंने यहां डिस्कस कर दी एक चीज याद रखिए कि आपको कल काउंसलिंग करानी है काउंसलिंग कराने का टाइम क्या है काउंसलिंग आपकी सॉरी पहले आप रिपोर्टिंग का टाइम सुन लीजिए रिपोर्टिंग टाइम यानी कि आपको उतने बजे के बीच में पहुंचना है मतलब नौ से ग्यारह बजे तक आपको पहुंचना है फिर उसके बाद जो है आपकी दस से बारह बजे तक आपकी कभी भी काउंसलिंग हो सकती है डिपेंड करता है आपका कब आपका कब नंबर लग रहा है तो यही था इस वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्यून्ड विद मी एंड आपका जो भी एडमिशन होगा ऑफलाइन मोड में होगा